नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में एक और बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को इस बार हमें मिलेगा। 2018 में जब पहली बार एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो एग्ज़ाम का जो मोड था वो ऑफलाइन था, पेन और पेपर पे एग्ज़ाम जो है कराया गया था। परंतु उसके बाद में जब दूसरा एग्ज़ाम एनटीए ने कंडक्ट कराया अपना, तो जो एग्ज़ाम का मोड था उसे बदल दिया गया और कंप्यूटर बेस टेस्ट के मोड पे जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगा। और तभी से ये लगातार सभी बच्चे जो है शिकायत कर रहे थे कि जो साइबर कैफे टाइप सेंटर बना दिए जाते हैं उनमें सुविधाओं का बहुत ही अभाव रहता है, कंप्यूटर ख़राब रहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क था कि ऐसे साइबर कैफे टाइप सेंटर पे चीटिंग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी बहुत बार शिकायत भी की गई थी कि अलग अलग शहरों में जो है इस प्रकार के सेंटर पे बहुत ज़्यादा चीटिंग कराई गई है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम आपका फिर से OMR बेस होगा, पेन और पेपर मोड जो है इस बार एग्ज़ाम के लिए इन्होंने ऑप्ट किया है। इस बार आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम नहीं होगा। और एक और बड़ी खबर ये है कि इस बार जो है केवल एक ही दिन में शायद सबके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, इसीलिए जो है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो इन्होंने दिया है केवल एक डेट दिया है, 16 जून। इसका मतलब ये है कि 16 जून को सभी जितने भी हमारे 83 सब्जेक्ट्स हैं सभी का एग्ज़ाम जो है 16 जून को ही आयोजित किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और उन बच्चों के लिए ये अच्छी खबर है जो ऐसे जो सेंटर जिनको मिलते थे जहाँ पे कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करता था या वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि शायद इस बार वो शिकायतें ना आएं कि सेंटर पे जो है चीटिंग कराई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है पेपर, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराए जाएंगे इस बार अच्छे सेंटर पे कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसे पहले हुआ करता था कि जो है किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में जो है सेंटर बनाए जाते थे। तो इस प्रकार इस जो है इस बार भी आपको सेंटर वैसे ही दिखाई दे सकते हैं और एक ही दिन में जो है सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो इसको हो सकता है कुछ बच्चे पॉजिटिव साइड में देखें और हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम ठीक था, बट ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसी फेवर में थे कि हमारा जो पेपर है वो आपका पेन और पेपर पे हो, OMR सीट बेस हो, क्योंकि एक सही टाइमिंग जो है बन जाती है पेपर करते समय, क्योंकि जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करते समय जो है कुछ शब्द ऊपर चले जाते हैं कुछ नीचे रह जाते हैं और बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है इसमें। अगर आपके सामने जो है ऑफलाइन मोड में पेपर होगा तो वो आपके लिए जो है टाइम मैनेजमेंट करने में भी बहुत उपयोगी प्रूफ होगा। आपको UGC का ये स्टेप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चों।